ये भी कहीं से घटिया चावल लाके और साठ गांठ करके कुछ लोग जो भी संबंधित पक्ष हो अच्छे चावल को बाहर भेज देते हैं और घटिया चावल आ जाता है राशन की दुकान पर। इसलिए मैंने फैसला किया है कि इसकी ईओडब्ल्यू ठीक से जांच करें कि हम भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये है तो उजागर होना चाहिए, किसी ने किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी ही और आगे से इस तरह की संभावना निर्मूल करनी चाहिए हम किसी भी हालत में ना हो। फिर अभी धान की खरीदी होगी, फिर मिलिंग होगी, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि इस मामले की जांच ईओडब्ल्यू करे ठीक ढंग से अच्छे से करके निकली करके और फिर जो भी तथ्य उजागर होंगे उसके आधार पर है तो उसी कार्रवाई होगी।